मेरे बापू जी भी गन्ने नाल असीं कदे आलू नहीं बीजे असीं गन्ने नाल चले आउंदे पहलां तो हुण भी गन्ना बीजदे आ पर जे रखड़ा मिल चल पवे जिवें सानू दिक्कतां आ रहीयां ने विच गन्ने दी किसे नूं परची दी भी आउंदी आ जे बंडमा उधर भी जाऊगा कुछ उधर भी जाऊगा गन्ना चाहे इतों दुगना भी असीं कर सकदे ठीक है सरकार नूं साडी थोड़े पूरे हथ बन के बेनती आ वी सिफारिश करो इहनूं जल्दी करो किदां देख रहे हो जी अज किसान मेला लग गया तो कहा जा रहा है गन्ने बारे विशेष जानकारियां दी गई ने मिल ने भी दस्या है अफसर साहबाना ने भी दस्या कहा जा रहा है 1.5 लाख का गन्ना होंगे एक एकड़ चो की लगता गन्ना सहायक धंधा है क्यों नहीं किसान बीज रहे मुख्य मिल का एरिया जी ये नार शुगर मिल का तो गन्ना क्यों घट है जी रख अपनी आमदन का दसती भी इन्नी आमदन उसे खर्चा का दसन भी कि आता साढ़ी 50 रुपये लेबर करी भी थी परची नहीं मिली हूँ ये कहते जी यदा अजे अजे टाइम नहीं है तो लेट सट्टिया जाऊगा लेबर लंघ गई हूँ अच्छ 70-80 रुपये भी अच्छ लेबर मिल नहीं रही 4 किले खड़े ने इस टाइम तो हूँ 70-80 भी नहीं मिल रही हाँ जी कारण की है जी क्यों जे 400 क्विंटल गन्ना निकला 80 रुपये अच्छ 32,000 रुपये कटाई बनती है वह भी लाओ ना कल आमदन ना लाओ फिर 1.5 साल का ठेका लाओ अच्छ 65,000 रुपया साढ़े तो कट के लाओ भी सानू की बच गया सहूलत बहुत ने लोन भी मिलता सानू सारा कुछ मिलता पर उत्ते प्रबंध नहीं सही जिवें तुसीं जाके यार्ड देखो इस टाइम जाके उत्ते बंदा मर सकता ट्राली पड़ सकती है चलो ये कहते हैं भी ज्यादा मिलने भी ज्यादा बाजन लदता बंदा भी तो यह यार्ड टुट गया जिते खाली ट्राली आ रही है उत्थे भरी भी ट्राली तो जा नहीं रही वो हालत देख लो जिते खाली वापस आ रही है वो हालत देख लो चलो इधर का यार्ड तोड़ता किसानों ने तोड़ता बाजन बाजन बद पा के जो तो खाली ट्राली आ रही उत्थे कहदा बाजन है भी उही हालात नहीं तुसीं हालत देखो जे इस टाइम तुसीं उत्थे बह के देख लो जे उपर थोड़े गर्दन भर जे 10 मिनट च क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जे ना सोका ना हाड़ ना आग वो भी नुकसान नहीं पहुँचाते अगर गन्ने में आग भी लग जा रही तो भी गन्ना दे के जा रहा किसान को किसान का ले नहीं रहा वो पहले तुम देखा होगा आप जब छोटे छोटे सारे किसान थे तो अभी खुद भी काम करना चाहते हूँ सानू मजदूर भी नहीं मिल रहा अभी थोड़ा सा अपना भी हाथ पीछे खींचने लगे अनयोग सीएम सर का यह सुपना है कि असी पंजाब नू हसदा खेडदा रंगला पंजाब बनाइए उस दे तहत असी एक ए फसली विभिन्नता दे उत्ते जोर दे रहे हैं ते असी एडवांस दे विच कैंप्स लगा रहे हैं हरेक क्षेत्र दे विच पटियाले जिले दे विच कि असी वध तो वध लोकां नू गन्ने दे विच जिहड़े हैगे अपने मिलेट्स दे विच मूंगी दे विच इत्थे लेके जाइए खुशहाल रहे पंजाब ये साडा मकसद है सत श्री अकाल जी तुसी पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो मैं मनविंदर सिंह टिवाणा अज पासों दे विच किसान सिखलाई कैंप लग्या है तुसी देख रहे हो इत्थे वख वख थावां तो जिथे किसान पहुँचे ने उत्थे मुख खेतीबाड़ी अफसर ने जिहड़े वख वख विभागां नाल संबंधित वह भी पहुँचे ने विशेष तौर पर नार शूगर मिल वल्लों विशेष इत्थे गन्ने बारे नॉलेज दित्ती गई आ ते विशेष गन्ना सहायक अफसर ने जिहड़े सरकारी वह भी इत्थे पहुँचे ने विशेष तौर पर डीसी साहब साक्षी सानी जी पहुँचे SDM नाभा पहुँचे होर भी जिहड़े किसानी किते नाल जुड़े हुए लोग ने वो इत्थे पहुँचे ने फिलहाल किसानां नाल गल करन दी कोशिश करांगे किसानां नूं किस तरह लग्या है मेला उन्हां दा की कहना है ते गन्ना मिल वल्लों की सहूलतां ने की दिक्कतां आ रही ने वो भी गल करन दी कोशिश करांगे किसान ने साडे नाल हाँ जी वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह उधर की नाम है जी जगदेव सिंह टौड़ा जी जगदेव सिंह टौड़ा जी किस तरह देख रहे हो अज इत्थे किसानां नूं सिखलाई लई एक कैंप लग्या उहदे विच वख वख विभागां तों जिहड़े डॉक्टर साहिबान ने माहिर ने खेती दे उह पहुंचे ने किस तरह लग्या तुहानूं टवाणा साहब गल ये भी माहर पहुंचे ने साइंसिस्ट पहुंचे ने डॉक्टर साहब पहुंचे ने उन्होंने सारे ने गन्ने के फायदे बारे दसा भी इन्ना हो जाता है असी बेनती की भी गन्ने दी समस्यावां असीं दसणी चाहुंदे हां डीसी साहब की हाजरी च जो चले गए हूँ तो असं तो रोज मिल ही रहे बैठे हैं जी असं गल करांगे अफसर नाल भी मैं तुहानूं हुणे दस दिंदा जी सर असीं 2009 दे विच गन्ना बेचा हरियाणे च लोगों ने उदों जी वरायटी इन्नी वधिया सी 500 क्विंटल झाड़ आउंदा सीगा 300 क्विंटल प्लस बेचा सीगा जी 1.5 लाख का गन्ना 2009-10 हो रहा है जी अज कहिंदे माहर कहिंदे ने भी 1.5 लाख का अज हो रहा 13 साल बाद कौन बीजूगा जी फिर उन्हें जो उन्होंने ही होंगे जी जबकि हाड़े भी तिकने हो गए जी डीजल चौकना हो गया जी लेबर खर्च लेबर तो मिलती ही नहीं जी लेबर की प्रॉब्लम आ गई जी फिर वड्डी गल जो ऑटो में गन्ना ने गल करे भी 80 च गन्ना बजाते थे वो किसान क्यों बीजता सी जी वो 80 च बीजना जी वो जीरी के बदल च होना सूँ बाह के
फिर कणक हो जाती थी। किसान सोचता भी जीरी 50,000 से गन्ना लख का हो जाता होगी। हूँ जो गन्ना जी ये अस्सू वाला बजाते हैं वो हूँ तक भी लोगों से खड़ा होगा जी। उत्थे लोग मक्की बेचना, मक्की का खर्चा भी क्यों खड़ा जी, ये खड़ा के रख देने भी लोग मोटा रख लेंगे जी अपने आप, क्योंकि नहीं तो लोगों बाह के कणक बीजेंगे और लेट कर देने जान जान के भी मोटा रह जाए। मोटा रहे तो मिलने बेनीफिट है जी, किसान का नुकसान है जी। हम मक्की बीजूगा तो 20,000 मक्की का खर्चा घट्टो घट्ट आना जी। कणक का खर्चा ये तो 3 गुणा भी घट है जी। बड़ा आराम ना घरों चक्के बीज पाना होंगे किसान ने जी। मिल के जेडे मुख अफसर आए ने वो कह रहे हैं कि मिल जिन्ने टाइम चलनी चाहिए गन्ना घट आ, वो हिसाब न फिर गन्ना बाहरों लिया पैदा इतने किसान गन्ना घट बीजते हैं, की कारण है जी? कारण वो यही ने जी, एक तो ऑटम का गन्ना जो जगह तो कणक नहीं बीजी जाती, लेबर की समस्या आती है जी। उस तो बाद गेट से गन्ना ये कहें भी वो बीजो, यही यही दसन भी क्यों नहीं बीजा जाता जी। एक पास एडा मुनाफा दसता भी 1.5 लाख का गन्ना होंगे जी। मैं 1993 का गन्ना बीजता आ रहा जी, मैं क्यों पटता जी मैंने पुछण जी। उत्थे पुछ जब डी सी साहब आए थे, एस डी एम साहब उत्थे बाबे इंसाल गए, उत्थे गल करते जी। अभी दस दें उत्थे भी आह समस्या आ, मैं कहना समस्या अभी दसनी चाहते हैं जी। उन्होंने सामने पुछते जी दस दें समस्यावान समस्यावान की ने जी, मुख्य समस्यावान की ने? एक तो आम किसानों से विचरते हैं पता लगता कि परची नहीं मिलती जी। परची की प्रॉब्लम है, जब गेट से गन्ना पूरा है नहीं जी, इन्होंने बाहरों मंगा पैंता जी। गन्ने का कानून असूल यह मिलता भी 75% गन्ना गेट एरिए का जी, 25% बाहरों मंगा। इतने गन्ना नहीं बीजा हुआ इस करके गेट से गन्ना घट है, 75 बाहरों आ रहे, 25 इतों लै रहे हैं जी। मिल की घाट होनी है जी, कोई फिर गन्ना किसान क्यों नहीं बीजते? मिल दस मिल वाले दसन भी इन्ना जे इन्ना मुनाफा तो लोग बीजते क्यों नहीं है जी। ये मिल वाले जो आला अधिकार पुछे उन्होंने भी जो 1.5-2 लाख का तुम करके जी 380 गुणा करके 400 रुपये में, फिर किसान अच्छ किसानों पुछ जो किसान आए हैं भी उन्होंने किन्ने बंदे गन्ना बीजेंगे जी? बहाँ खड़िया कराने भी कोई गन्ना बीजूगा? असं गन्ना क्यों पट्टे अभी दस दें क्यों पट्टे जी। होर भी किसान ने साडे नाल, हाँ जी की नाम है जी? बलजीत सिंह जी। किदा देख रहे हो जी अज किसान मेला लगे गया, तो कहा जा रहा गन्ने बारे विशेष जानकारियां दी गई ने, मिल ने भी दसिया है, अफसर साहबाना ने भी दसिया, कहा जा रहा 1.5 लाख का गन्ना होंगे 1 एकड़ चो, की लगता गन्ना सहायक धंधा है, क्यों नहीं किसान बीज रहे? मुख मिल का एरिया जी ये नार शूगर मिल का, तो गन्ना क्यों घट है जी? रख घट नहीं जी, सारा कुछ सहायक ठीक है, 1.5 लाख का आता, 1.25 लाख का आता, वो ठीक है सारा कुछ। इन्होंने सारा अपनी आमदन का दसती भी इन्नी आमदन आते, खर्चा तो दसन भी कि आता, साढ़ी 50 रुपये लेबर करी भी थी, परची नहीं मिली। हूँ ये कहते जी यदा अजे अजे टाइम नहीं है, तो लेट सट्टिया जाऊगा, लेबर लंघ गई हूँ, अच्छ 70-80 रुपये भी अच्छ लेबर मिल नहीं रही, 4 किले खड़े ने इस टाइम तो हूँ 70-80 भी नहीं मिल रही। हाँ जी कारण की है जी, क्यों इन्नी महंगी? जे 400 क्विंटल गन्ना निकला 80 रुपये में, अच्छ 32,000 रुपया कटाई बनती है, वो भी लाओ ना, कल्ली आमदन ना लाओ, फिर 1.5 साल का 60 एका लाओ, अच्छ 65,000 रुपया साढ़े तो कढ़ के लाओ भी, सानू की बच गया? असं कहने भी चल कोई गल नहीं, असं भी बीजते हाँ 25 साल के जी, 25-25 किले लाए ने, यही गल तो नहीं है। किन्ना है जी हूँ भी साढ़े को 10 किले थी, हूँ साढ़े 4 किले इस टाइम ने, अच्छ 80 रुपये लेबर मंग रही है, की करिए जी दसो? सानू सरकारी कोई मशीन आ जाए सानू फायदे, जा कोई गल लेबर की बड़ी दिक्कत, लेबर की सारों बड़ी दिक्कत आ रही है। तो जोड़ा देखा जाए जे आप देखिए लेबर की दिक्कत होगी, होर मिल च कि सहूलत दी जाए किसान? सहूलत बहुत ने, लोन भी मिलता सूँ, सारा कुछ मिलता, पर उत्ते प्रबंध नहीं सही, जिमें जाके अजाड़ देखो इस टाइम जाके उत्ते बंदा मर सकता, ट्राली पलट सकती है। चलो ये कहते हैं भी ज्यादा मिलने भी ज्यादा बजन लदता बंदा भी ता अजाड़ टुट गया, जिते खाली ट्राली आ रही है उत्थे भरी भी ट्राली तो जा नहीं रही, ओदी हालत देख लो, जिते खाली वापस आ रही है ओदी हालत देख लो। चलो इधर का यार तोड़ता किसानों ने तोड़ता वजन वजन वध पा के, जो तो खाली ट्राली आ रही उत्थे कादा वजन है, उत्थे भी ओही हालात ने। तुसीं हालत देखो जे इस टाइम तुसीं उत्थे बह के देख लो, जे उपर थोड़े गर्दन भर जे 10 मिंट च। हाँ जी कोई जिमीदार उत्थे तोड़ो गल किसान वाली। सो होर भी वीर ने, हाँ जी की नाम है जी? प्रदीप। सो इन्हां दा कहना है कि बड़ियां दिक्कतां ने जिहड़ियां आ रही ने, मिल दे जिहड़े मुख अफसर साहबान ने उन्होंने भी गल करा, सुधीर वालिया जी उन्होंने गल कर कोशिश करा, वो की कहते हैं। सो बने रहो पंजाबी लोग चैनल के नाल। हाँ जी, हाँ जी सुधीर जी, वाहगुरु जी खालसा वाहगुरू जी फतेह जी। किस तरह देखते हो जी अज किसानों सिखलाई लिए इतने मुख कैंप लगाया गया, खास करके गन्ने की जी नॉलेज है वो किसानों दत्ती गई है, कि लगे कि उत्साह है किसान? किसानों में काफ़ी उत्साह है गन्ने के लिए, ऐसा नहीं, गन्ना बहुत लाभमंद फसल है और किसानों के फायदेमंद भी हैगी, पर किसानों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लेबर की प्रॉब्लम आ रही, तो DC साहब से भी जो है रिक्वेस्ट करिए, जो मनरेगा की लेबर है अगर वो किसानी में कन्वर्ट कर दी जा तो उसका कहीं ना कहीं जो किसान को फायदा मिलेगा, वो साढ़े लिए लाभमंद रहेगा कहीं ना कहीं।
क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जे ना सोका ना हार्ड ना आग वो भी नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर गन्ने में आग भी लग जा रही तो भी गन्ना दे के जा रहा किसान को, किसान का ले नहीं रहा वो। तो इसलिए ऐसी सभी जमींदार भराओं से यही विनती करी अगर ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना बीज जाए, क्योंकि अपने जो यो बेल्ट हैगी साडा भादसो है, दित्तूपुर है, टोड़ा है, इन पिंडों में साढ़े सरदार साहब है काफ़ी गन्ना बीज रही है और हर साल बीज रहे। अगर गन्ना घाटे का सौदा होता तो फिर तो गन्ना क्यों बीजते। बस गन्ने में प्रॉब्लम यही है अगर सर लेबर की जो सबसे बड़ी मार हैगी वो लेबर की है। आम भी आता है जी कि पर्ची की बड़ी दिक्कत आ रही है, आम बंदे दे बस दा रोग है नहीं पर्ची लेना। दरअसल क्या है थोड़ा सा मैं बताना, अभी लेबर की दिक्कत क्या है, मैं भी आपको एक बोल लेता स्टेज पे, मिल कम से कम 180 दिन चलनी चाहिए थी और अपनी मिल 100 दिन भी नहीं चल पा रही। अगर मेरी मिल 180 दिन चलेगी तो मेरे को किसी को सिंगल को भी पर्ची की लोड नहीं हैगी, किसी को मेरे को लाने की लोड नहीं है। अभी 1 मार्च में असी पर्ची ओपन कर दी, जबकि अभी कम से कम अभी 25 मार्च लो फैक्ट्री चलावेंगे, 25 दिन ऐसी पर्ची ओपन कर दी, पर फिर भी साडा गन्ने की पूर्ति नहीं हो पा रही। उसका लॉस किसा हो रहा, उसका लॉस किसान को भी हो रहा, कंपनी को हो रहा। जो कंपनी 42-45 हज़ार क्रस कर रही थी वो आज 30 हज़ार पानी का रुक गई। अगर वो 30 हज़ार क्रस करेगी तो उसका डे बाई डे लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, कंपनी घाटे में जाओगी, कंपनी घाटे में जाओगी क्या होना, रखड़ा पातड़ा धूरी यही काम हो जाना, वो बंद होती चली जाओगी। तो मेरी अपने जमींदार भराओं से यही रिक्वेस्ट है अब वो गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा बीजे, कम से कम मैं कहूँ 180 दिन नहीं है, पंजाब का माहौल 180 दिन का, पर कम से कम 150 दिन तो फैक्ट्री चलनी चाहिए थी। अगर 150 दिन भी फैक्ट्री नहीं चल रही तो फिर फैक्ट्री सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये देखो तुम जो गन्ना हाड़ी काट कर बीजेगा, कणक काट कर बीजेगा, वो गन्ना से जनवरी फरवरी में मुका दिया, अभी डॉक्टर साहब ने दसा था अब गन्ने को कम से कम 12-14 महीने चाहिए, हमने वो गन्ना 8 या 9 महीने में काट दिया, तो मिल को क्या मिला उसमें, मिल को रिकवरी नहीं मिली। अगर मिल को रिकवरी नहीं मिली, मिल की चीनी नहीं बनी, तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगी, अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगी तो जिम्मेदारों का पेमेंट किदा करेगी। पर जिमीदार भी कह रहे हैं कि किसानों को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो टाइम सिर गन्ना बढ़िया जाता वो मक्की हो जाती, सूरजमुखी हो जाती, हूँ तुम परची खोलती है, होली के टाइम लेबर चलिया गई ने, हूँ किसान भी घाटे जा रहे हैं, मिलन यह फायदा है मोढ़ा रख लैणगे, अगली बार तुम एक तो लोन दिने जो चो कहते लोन चो किसान मिलन जो प्रॉफिट हों भी किसान नवा बीजन के तो लोन देना पेगा जो बिना ब्याज तो दें, तो थोड़े मिलन फायदा हो रहा, किसान घाटे जा रहे हैं, असं किसानों गल की जी इदा दरों। मैं दसूँगा अब किसान कह के ला जी जे हूँ मैं मक्का बीज लगा, 1 किला गन्ना बीजने के लिए, 1 किला गन्ना बीजने के लिए कम से कम 25 हज़ार रुपये पहले दिन खर्च हो। असं अपने सारे जमींदार भरोसे यही रिक्वेस्ट करें वो मोढ़ा रखे, अगर वो मोढ़ा रखेगा तो उसका 25 हज़ार रुपये बचेगा, जो घाटे में जा रहा है ना 25 हज़ार रुपये उसका 25 हज़ार रुपये बचेगा। पर वो मोढ़ा नहीं रखना, वो क्या कर रहा, बिजड़ को ही फूट दे रहा, बिजड़ को ही फूट दे रहा। आपके बराबर में हरियाणा आएगा, उससे आगे यूपी आएगा, उन लोगों का 4-4, 5-5 साल के मुढ़े आगे, 4-5 साल अगर मेरे 25-25 हज़ार रुपये बच रहे, 4 साल भी बच गए तो मेरा 1 लाख रुपये बच गया, जो गन्ने में मुझे खर्च करना था हर साल 25-25 हज़ार रुपये, तो मुझे 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। पर असी थोड़ी साड़ी सोच क्या हो रही, असी जनवरी में बिजड़ करना पड़ देना, बिजड़ का मतलब वो जो आप फगड़ में बीजे, बिजड़ करना पड़ देना, ठंड में उसका मुढ़ा नहीं फूटता, फिर वो कह के ला जी मेरा मुढ़ा नहीं फूटा। जो मुढ़े के लिए आप गन्ने की कटाई करनी है वो कम से कम आपकी 15 फरवरी के बाद गन्ने की कटाई हो, 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक गन्ने की कटाई करो, उसका मुढ़ा भी चंगा फूटेगा, उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी और मिल भी टाइम पर चलेगी, जमींदार की दूजी फसल भी टाइम पर बीजी जाओगी। क्योंकि अगर जमींदार की दूजी फसल नहीं बीजी जा रही तो जमींदार घाटे में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब साढ़े को गन्ने का रकबा इतना कैसे 4 महीने मुश्किल चल रहे, जो मिल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 नवंबर में चलनी चाहिए थी वो हमें 1 दिसंबर में चलानी पा रही, उसका रीज़न क्या है, अगर साढ़े को गन्ने की क्वांटिटी इतनी है, अगर अभी जो है 15 नवंबर में मिल चला दें तो साड़ी मिल जो है जनवरी में बंद हो जाओगी या फरवरी में बंद हो जाओगी। कारण की है जी, पहला 95-96 की गल करिए, इतने गन्ना बहुत ज़्यादा सीगा, असी देखते रहे गन्ना लोग बहुत करते थे, कारण की है क्यों घटे, कितना कितने मिल की कोई कमी तो नहीं हैगी जी। मैं दसूँगा दरअसल क्या 95-96 एक ऐसा सीजन था जो पूरे इंडिया में, आप पंजाब की गन्ना करो, पूरे इंडिया में इतना बद्दू गन्ना था, अब आपका पंजाब का तो गन्ना खत्म हो गया, यूपी हरियाणा में तो गन्ना क्या होगा, काट के सड़क के नेड़ा की डालना पै गया। असी जिम्मेदार से यही रिक्वेस्ट करें उसके को जितना भी रकबा है उसका तो 10% में गन्ना बीज ले, तो उसे कभी भी जमींदार का जो गन्ना बद्दू रकबा है या लेबर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दूसरी गल तुम एक गल की थी कि नहीं जमींदार को जो घाटा हो रहा वो या जमींदार क्यों नहीं गन्ना बीज रहा उसका क्या कारण है, जमींदार को गन्ना ना बीजने का सबसे बड़ा कारण है जो कर तुम अभी यहाँ पर पूरी मैं देख रहा था कि आप लोग पूरी सेमिनार का वो सुन रहे थे, आप कवर भी कर रहे थे पूरी सेमिनार को, तो आपने एक महसूस किया हर जमींदार लेबर से औखा है,
क्योंकि लेबर के बगैर गन्ने की कटाई नहीं है। गन्ने की कटाई के लिए तो ये जो कर सरकार दे रही है, उन्होंने दसा मशीनरी वालों ने, अगर अभी सब्सिडी दे रहे हैं, पर उसके लिए क्या है, प्लांटिंग 4 फुट पर कम से कम होनी चाहिए। प्लांटिंग 4 फुट तो होनी, घट से घट होनी चाहिए। असी गन्ने की प्लांटिंग के लिए करीब 20 हल मेरठ से लेकर आए स्पेशल, एक हल की कीमत करीब 50,000 रुपये है। वो अपने जिम्मेदार भराओं को दिए, तुम इस पर जो है इससे गन्ना बीजो, पर क्या है थोड़ा सा जिम्मेदार को टाइम लगे चेंज होने में, क्योंकि मान लो तुम 2 फुट पर बीजे तो मैं आपको कहूँगा तुम 2.4 पर बीजो तो तुम सहमत नहीं होना, तुम दूसरे कोशिश करोगे कि पहले दूसरा जिम्मेदार बीज ले मैं उसका देखूँ। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रीज़न हैगा, अगर जो जिम्मेदार उस पर आने में टाइम लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में जो है गन्ने की मशीन आ जाओगी, गन्ना हार्वेस्टिंग की। अपने पंजाब में करीब 10 में 3 मशीनें चल रही है, एक गुरदासपुर में चल रही है, 4-5 मशीन आ गई अपने पंजाब में, तो धीरे धीरे अपने भी पंजाब में मशीन आओगी, तो उसका कहीं ना कहीं जमींदार पर आओगे फायदा होगा। जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पहले तो देखा होगा आप जब छोटे छोटे सारे किसान थे तो उसी खुद भी काम करना चाहते, हूँ सानू मजदूर भी नहीं मिल रहा, असि थोड़ा सा अपना भी हाथ पीछे खींचने लगे। साड़ी मिल में, मैं अपनी मिल की गल दस दूँ, साड़ी मिल में करीब 15 बंदे ऐसे है जो ट्रोली खाली करे, और वो एक ट्रोली खाली करने का जो है 300 रुपया ले, और वो एक दिन में करीब 100-150 ट्रोली खाली कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मेरा, मैं एक जिम्मेदार के ऐसे से दसूँ, थोड़ा मेरा भी एक, मैं वो 300 रुपये तो बचाऊँ वहाँ पे, वो तो मैं अपना खर्च ना करूँ। तो मेरी सारे जिम्मेदार पर हौसला रिक्वेस्ट है, अच्छा एक अपना संत की केयर हो जा, मुझे पता मेरा ट्रैक्टर है किद्दा चलाना है किद्दा नहीं चलाना, उसकी मुझे जानकारी है। अब वो भैया लगे हुए हैं या कोई भी लगे हुए हैं, हमें यही नहीं पता वो ट्रैक्टर का ड्राइवर है या नहीं है, उस पर ट्रैक्टर चलाना है या नहीं आता, सानू उसकी जानकारी नहीं हैगी। तो मेरी यही सारे जिम्मेदार पर हौसला रिक्वेस्ट है, गन्ना घाटे का सौदा नहीं है, गन्ना फायदे का सौदा है, बस आपस में थोड़ा सा कॉरपोरेशन की जरूरत है, कोऑपरेट करने की जरूरत है। बाहरले खुल दत्ती है, बाहरले जिहड़ा एरिए चो आउंदा इत्थे दे जिहड़े लोकल ने किसान वह परेशान हो रहे हैं इदां दे वीरो। मैं थोड़ा जिहा आप लोगों की नॉलेज में दसूँ, तुम कहो कहने जी बाहर लोग छूट दिती हुई है, तुम एक बार 2 मार्च में फैक्ट्री बंद होने लग रही, बाहर लोग कितने छूट दे दी मुझे, जब अपना गन्ना मार्च में खत्म हो, फरवरी में खत्म होने लग रहा, मार्च में खत्म हो रहा, तो बाहर लोग छूट कितना दे दिया, अपने जमीन को कितना परेशान नहीं। तो इसका मतलब तो ये होगा मिल 100 दिन बिना चला रहा, फिर तो मिल 100 दिन भी नहीं चलती। एक गल थोड़े नाल सांझी करनी चाहुंदा जी, मेरे खुद के रिश्तेदार ने पिंड पैंदा है सिरथला, सिरथले तो उन्होंने जमीन किसी को ठेके से दत्ती सी, उन्होंने गन्ना बीजे हुआ सी, उन्होंने ठेका नहीं दिता, किसी गल कर करके रौला होया, वो गन्ना सड़ के उदा ही जमीन सड़ गई। मेरे रिश्तेदारों ने खुद कहा कि आप गन्ना सीटना है, परची का हीला करो, मैं थोड़े सर्वेयर ने उन्होंने मिले, वो कहें जी नहीं परची इदा नहीं मिलती, भी परची तो जिन्हों का बॉन्ड आ जिन्हों का अकाउंट बनया उन्होंने ही मिलनी है, तो वह बहुत मुश्किल ना उन्होंने धूरी सीटे जी बढ़िया वा गन्ना ट्रालियां भरिया हुई धूरी लेके गए ने। तुम कहने गन्ने की घाट आ ता करके दिक्कत आँदी है, पर यह भी समस्यावान सामने आदि नहीं। मैं दसो उसका इलाज है, असं क्या कर रहे जो अभी जब गन्ना बीजा हो तो अभी प्रोपर सर्वे करे, सर्वे का साढ़ा टैप सिस्टम है, ऐसे मैनुअल सर्वे नहीं करते, ऐसे टैप सिस्टम है, उससे जो अभी खेत के चारों तरफ घूमकर उसका सर्वे करें, सर्वे करने के बाद हम जमींदर का बॉन्ड करें, उसके बैक का साइन ले, मेरे को इतना रगवा है, इतना मोडा है, इतना बिजड़ है, ये सब कुछ मेरे को है, असं उसका बॉन्ड अपने सिस्टम में चढ़ा देता है। अब तुम कहते हो कि उसका रोला पै गया, अब भाई जी वो है, सानू दोनों जिम्मेदार लिख कर दे तो अभी बॉन्ड ट्रांसफर कर देंगे, साढ़े लिए कोई मुश्किल नहीं है, पर अगर जिम्मेदार लिख कर नहीं दे रहा तो अभी बॉन्ड ट्रांसफर करना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो जमीन आपकी है, मैं वो रिकॉर्ड नहीं रखते, ऐसी गन्ने में ये रिकॉर्ड नहीं रखते अगर वो जमीन वो आपकी बीज रहा या पड़ोसी की बीज रहा, अभी जब कहे जो जमींदार गन्ना बीज रहा साढ़े रिकॉर्ड में वो जमींदार उसी की है, वो जमीन उसी जमींदार की हैगी। तो ये अगर जिम्मेदार दोनों सहमत होकर सानू लिख के दे दें कहें जी मेरा बॉन्ड इसके नाम ट्रांसफर कर दो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्या हो जाए सीजन में चलते हुए कोई मेरा जिम्मेदार पर ओवर एज हो या कोई डेथ हो जाए कोई बीमार होकर हो जाए तो उसी उनका बॉन्ड भी तो उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर करे उनका करे, या कोई अगर आज का साढ़ा कल्चर चला साढ़े मुंडे बाहर जा रहे असी उसे भी करे असी उनका भी बॉन्ड ट्रांसफर करे उनके बाप के नाम। उन्होंने होर भी रिश्तेदारों का इतने एरिए गन्ना सीगा रनो च भी है होर भी सीगा वो कहते उन्होंने नाम से दे दो असी पैसों की सैटिंग कर लेंगे फिर भी पर्ची नहीं मिली। नहीं है इदा नहीं जे उनके ना कि किदा दे देंगे, तुम कल दसो थोड़े को मुंडा खड़ा मेरे को बिजड़ खड़ा मैं कहूँ तुम मुंडे की पर्ची दे दो मैं बिजड़ गलना छड़ लूँगा, तुम इदा करो कि तुम दोनों लिखा दे दो बॉन्ड, जब बॉन्ड चेंज करने को तैयार है असी अगर पिंड का सरपंच भी लिख कर दे दे सानू छोड़ दो, मैं कहूँ वो दूसरी पार्टी नहीं लिख कर दे रही पिंड का सरपंच लिख कर दे दे लंबरदार लिख कर दे दे कह लें जी इनका जो डिस्प्यूटेड चल रहा है इनका बॉन्ड इनके ना कर दीजा, ऐसे कर देते हैं पहले भी करे हर साल करे ऐसी ये प्रॉब्लम। ट्रैकों की बहुत ज़्यादा दिक्कत कह रहे ट्रैक तो बाथरूमों की दिक्कत कह रहे हैं जी मिल के बहुत ज़्यादा आ रही है किसान
मैं छोटे साहब को भी दसा तो फिर वो घूम के कहानी वहीं पा है। किसान मिल में रुको हो गया, मैं आपको बता 15 बंदे मेरे गए, मैं 180-190 ट्रोली खाली कर रहा, करीब 150 ट्रोली मेरे ड्राइवर खाली कर रहे। जिम्मेदार छोटे किसान है जी, ककीला असं भी गन्ने का इस बार बीजे है, असं भी इसलिए पूछ रहे हैं कि दिक्कत बड़ी है, असं आप जाना देखो मैं नहीं आओगे आपको दिक्कत, क्योंकि असं जो नए लैटरिन बाथरूम बने हुए हैं, एक नहीं बने हुए, करीब 10-15 लैटरिन बाथरूम हमारे नए बने हुए हैं, 24 घंटे उन पर स्वीपर लगे हुए हैं। कई बार ऐसा हो जाए स्वीपर इधर उधर हो गया, नहीं तो 99% असं जो पूरा ध्यान रखें, सारे प्रॉपर बंदे चेक करें कि असं किसान भवन बनाया हुआ है किसानों के आराम करने के लिए, 3-4 सैड बनाए हुए हैं जो बारिश में जो है किसान को आराम बचने के लिए है, एक ऐसी कैंटीन है जो प्रो मार्केट रेट से करीब आपको 50% रेट पर जो है आपको खाना चाय प्रोवाइड करा रही है। अभी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखें, क्योंकि देखो किसान भी एक इंसान है, वो भी साढ़ा पराई है, कोई बिगाना नहीं है, और शुगर मिल एक ऐसी मिलेगी जो किसान ही चला होगा, किसान ही बंद करा होगा। शुगर मिल को मेरे या आप जैसे मुलाजिम नहीं चला पाओगे, शुगर मिल को जब भी चला होगा किसान ही चला होगा। आपके सामने है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, नवा शहर है, दसवा मुख्य एरिया, वो मिल अप्रैल तक चल रही, साड़ी मिल मार्च में भी मुश्किल हो रहा, क्योंकि साढ़े जो लेबर की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ही सानू कहीं ना कहीं परेशान कर रही। असी उसी लिए अपने जिम्मेदार पर ऐसा भी रिक्वेस्ट कर रहे, तुम तो डिस्टेंस बढ़ाओ बिजाई का, अगर वो बिजाई का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो अभी गन्ना कटने वाली मशीन भी खरीदने की कोशिश कर जी, कोई झाड़ते फर्क तो नहीं पैदा, ज़्यादा होगा झाड़। अभी आप कुछ और ये डॉक्टर गुलजार सिंह है, अपने कपूरथला के डायरेक्टर है, गन्ने के महाज है, ये पंजाब के ब्रीडर है, यहाँ पर इनसे जानकारी ले सको अगर गन्ने की डिस्टेंस बढ़ाने से गन्ने की पैदावार बढ़ेगी या घटेगी। तो मैं जी एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, असी क्या कणक का छिट्टा देगा बीजो, पर कई मेरे जिम्मेदार पर आए वो जो ड्रिल के नाल बीजे है, क्यों बीजे ड्रिल के नाल, छिट्टा क्यों नहीं दे देते, क्योंकि हर चीज़ को हर फसल को डिस्टेंस चाहिए। अगर वो फसल को उसका डिस्टेंस मिलेगा, उसे हवा मिलेगी, धूप मिलेगी, फलने फूलने के लिए जगह मिलेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ के लिए ऐसे अपने जिम्मेदार प्रोफेसर रिक्वेस्ट करे वो ट्रेंचर के नाल बिजाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजाई करे, क्योंकि मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर दूँ, इस 25 मिल से बढ़िया पंजाब में मिल ही नहीं है। जितनी फैसिलिटी मैं आज से पहले 7-8 मिल में जॉब कर चुका, जितनी फैसिलिटी मैं यहाँ देखी, मैं कहीं भी इतनी फैसिलिटी नहीं देखी आज तक का, ये मेरा तजुर्बा है। ये थैंक यू। अज पासों के किसान सिखलाई कैंप लगे, डीसी मैम साक्षी सानी भी पहुंचे ने गल करन दी कोशिश करते हैं। हाँ जी मैम, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी मैम, अज इत्थे पासों च पहुंचे हो, किसान सिखलाई कैंप लगे सीगा, किस तरह देख रहे हो? असी एक्चुअली अपने पटियाले ज़िले के एक पहलकदमी कर रहे हैं, चीफ साहब मेरे नाल हैगे हैं, कि असी इस बारी किसानों नूं प्रोत्साहित विभिन्नता वाल की करिए, क्योंकि सानू सारे नूं पता ही है कि पानी का पद्धर भी नीवा हो चुकिया है, ऑलरेडी किसानी दे विच काफ़ी रिस्क हैगा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हुण भी तुसी तापमान देख ही सकते हो इन्नी गर्मी होई पई है। सो सरकार वालों जिदा मूंगी उत्ते सबसिडी, मूंगी उत्ते MSP आ गया है, फ्लोरीकल्चर च किन्ने किसान इन्ने अगा वधू जिहड़े किसान ने वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट दे विच, हॉर्टीकल्चर के उत्ते साडी इन्नी स्कीमां हैगियां, असी ट्रेनिंग्स भी दिंदे हैं पंजाब सरकार वालों। मानयोग CM सर दा ये सुपना हैगा कि असी पंजाब नूं हसदा खेडदा रंगला पंजाब बनाईए, उस दे तहत असी एक ए फसली विभिन्नता दे उत्ते जोर दे रहे हैं, ते असी एडवांस दे विच कैंप्स लगा रहे हैं हरेक क्षेत्र दे विच पटियाले ज़िले दे विच, कि असी वध तो वध लोकां नूं गन्ने दे विच जिहड़े हैगे अपने गन मिलेट्स दे विच मूंगी दे विच इत्थे लेके जाइए, असी किसानां नूं पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम दे बारे भी दस रहे हैगे हैं। सो साडी ये कोशिश रहेगी कि इस बारी असी अपना जिहड़ा टीचा हैगा है अपना 3200 हैक्टेयर का टीचा असी आप ही टीचे आए डाइवर्सीफिकेशन दे लई, वो असी कोशिश करांगे कि इस साल असी मीट करिए, ते किसानां नूं भी फायदा होवे, साडी जिहड़ी अगे दी जनरेशन है बच्चे साडे हैगे आ उहनां नूं भी फायदा होवे, ते खुशहाल रहे पंजाब, ये साडा मकसद है। थैंक यू मैम। जे देखा जाए गन्ना का एरिया है, नार शुगर मिल है इत्थे, पर पहला नालों गन्ने का रकबा घटिया, कि ना कि लोगों नाराजता है कि गन्ने परची नहीं सही मिलती, लेबर की दिक्कत आ रही है, उत्थे जिहड़ियां सहूलतां ने वो नहीं सही है, कितने ना कि लोग निराश दिख रहे ने, इहदे लई की प्रबंध कीता? एक्चुअली जी ये जरूर लोगों का फीडबैक सीगा कि असी जे एक होर इत्थे मिल हैगी है, जे वो भी शुरू हो जाती काफ़ी चिर दी बंद पई है, तो वो उत्ते असी सरकार नूं जरूर असी अगे जिहड़ी है कार्रवाई करांगे, बट लोग एक्चुअली काफ़ी खुश सीगे बिकॉज साडा जिहड़ा स्टेट है
ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਐਸਏਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 380 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਡੀ ਸੀ ਮੈਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ